बिहार में कोरोना की रफ्तार में दोबारा से तेजी आई है। पिछले 24 घंटे में बिहार में 488 नए केस की पुष्टि हुई है, जो कि इस बात का इशारा कर रही है कि बिहार में कोरोना की रफ्तार दोगुनी तेजी से बढ़ रही है। अब लोगों को सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 488 नए एक्टिव केस की पुष्टि हुई है, जिससे बिहार का कुल एक्टिव केसों का आंकड़ा 1907 हो गया। वही सबसे ज्यादा 174 मरीज पटना में मिले हैं। पिछले 48 घंटे में पटना एक नए हॉटस्पॉट के रूप में उभरकर सामने आया है। तो पटना तेजी से अब नए हॉटस्पॉट के रूप में उभरा है, और यह चौंका देने वाली खबर है कि एक दिन में सर्वाधिक 428 संक्रमित व्यक्ति यहां पर पुष्टि हुई। 488 मामले एक दिन में पटना में पुष्टि हुई है, और वाकई में एक बार फिर से कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या राजधानी पटना में जो सिलसिलेवार है बढ़ता ही जा रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके शिकार कभी भी कोई भी हो सकता है। और जैसा कि लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार लोगों को, जनता को ये जानकारी दे रही है कि कोरोना के नियमों का, गाइडलाइन का पालन करें, हाथों को सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, लेकिन शायद इस तरीके के नियमों का पालन नहीं हो रहा है, जिस कारण से जो लोग हैं कोरोना के शिकार हो रहे हैं। तो पटना में तेजी से कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। एक दिन में सर्वाधिक अगर मामलों की बात की जाए तो 488 संक्रमित मरीजों की जो पुष्टि है वो हुई है। हालांकि कोरोना वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है बिहार में भी चल रहा है। पटना में लगातार दूसरे और तीसरे डोज का जो वैक्सीनेशन है वो चल रहा है, और इसके साथ ही लगातार कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जो पहचान है वो भी हो रही है, जो कहीं ना कहीं राज्य सरकार के लिए चिंता का विषय है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग की बात भी सामने आ रही है, कई नियमों का हवाला भी दिया जा रहा है सरकार ने, से लेकर कई सारे नियम और कानून बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं कानून को ताक पर रखा जा रहा है। शायद यही वजह है कि कोरोना के केस में जो कमी है वो देखने को नहीं मिल रही है, और पटना में कोरोना का जो रफ्तार है लगातार बढ़ रहा है, जिसके वजह से पटना कहीं ना कहीं अब एक नए हॉटस्पॉट के रूप में उभरा है, जो वाकई में पटना वासियों के लिए चिंता का विषय है, चिंता की खबर है, और उन्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर वो सतर्क नहीं रहते हैं, जागरूक नहीं रहते हैं, तो वो भी कोरोना के शिकार हो सकते हैं। लोगों से ये अपील भी करना चाहेंगे कि जिस तरह से राजधानी पटना में कोरोना का जो रफ्तार बढ़ रहा है, आप सतर्कता बरतें, संयम बरतें, और यही वजह है कि आप कोरोना जैसे घातक बीमारी से बच पाएंगे, संक्रमित नहीं होंगे। और सरकार ने जो अभियान चला रखा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा वैक्सीनेशन को लेकर, आप वैक्सीनेशन जरूर लें, खुद और वृद्ध जनों को भी आप जागरूक करें, ताकि कोरोना जैसे घातक बीमारी को पीछे छोड़ने का बस एक ही उपाय है, और वह है कोरोना वैक्सीनेशन। लेकिन जिस तरह से राजधानी पटना में तेजी से जो मामले बढ़े हैं, वाकई में चिंता कर देने वाली बात है कि एक दिन में सर्वाधिक 488 संक्रमित जो मरीज मिले हैं ये चौंका देने वाला है। 488 मामले सामने आए हैं, जो वाकई में चिंता का विषय है, और लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस खबर पर पूरी अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता राजीव जुड़ चुके हैं। राजीव, राजधानी पटना एक नया हॉटस्पॉट के रूप में उभर रहा है, 488 मामले सामने आए हैं सर्वाधिक, जानना चाहेंगे इतना जो रफ्तार बढ़ रहा है क्या बड़ा कारण माना जा रहा है? राजीव, हमारी आवाज आपको पहुंच रही है? अभी कुछ दिन पहले खत्म हुई है, लोग बाहर से आ रहे हैं ट्रेनों में, हवाई जहाज में, तो जब संक्रमण क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं, और बाहर जैसे महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, ऐसे इलाकों से लोग आ रहे हैं, तो संक्रमण कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब बिहार में पैर पसार रहा है। उसका वजह भी ये है कि जब यहाँ टेस्टिंग की जा रही है, सरकार द्वारा काफी यहाँ व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग में अलग अलग जिलों में अलग अलग ब्लॉकों में किया गया है, और ट्रेन से उतरते ही चाहे हवाई से उतरते उनकी जांच की जा रही है, उसी में जो भी कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं उनको क्वारंटीन किया जा रहा है, उनको क्वारंटीन में भेजा जा रहा है, अस्पताल में भेजा जा रहा है। वजह देखिए, बाहर के ही लोग आने की वजह से कोरोना का मामला धीरे धीरे अब पटना हो चाहे बिहार का जिलों में, अन्य इलाकों में बढ़ रहा है।
इसको लेकर सरकार भी तैयारी कर रही है और चल भी रहा है। जितने हैं वहाँ के इनको लेकर और इंजेक्शन जो 45 लोगों को अभी वाले लोगों को देना शुरू कर दिया सरकार द्वारा। अब कभी देखा मंगल पांडे ने भी इसके शुरुआत की और उन्होंने इंजेक्शन कल ही टीकाकरण करवाया लिया पहला डोज। तो ये धीरे धीरे अब हो रही है और देखिए बात है कि जैसे जैसे पिछले बार भी आपने देखा होगा कि मार्च में लॉकडाउन लगा था और उसके बाद कोरोना के रफ्तार धीरे धीरे बढ़े थे, वैसी दूसरा चीज है और इस समय गर्मी के रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और राज्यों में काफी बढ़ रहे हैं लेकिन बिहार कुछ थोड़ा कम है। लेकिन हाँ ये है कि धीरे धीरे अब कोरोना के मामले और आ रहे हैं। जी राजू, चूंकि एक दिन में सर्वाधिक मामले सामने देखने को मिले, एक बार फिर से 488 नए केस सामने हैं, जिससे वाकई में अब लग रहा है कि पटना एक नया हॉटस्पॉट बन गया है और कहीं ना कहीं राजधानी वासियों के लिए बड़ा खतरे के संकेत है। क्या लगता है बाहर से आने वाले जो लोग हैं, क्या सबसे बड़ा खतरा यह है जो कहीं ना कहीं सरकार इससे चूक कर रही है और शायद रोक नहीं पा रही है और उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है वो नहीं कर पा रही है? शायद ये वजह है कि जो लोग हैं वो आ रहे हैं और कोरोना का जो खतरा है वो बढ़ता ही जा रहा है। देखिए ये कोई रोकने वाली चीज, देखिए होता क्या है कि अगर बाहर से लोग आ रहे हो तो उनको सरकार रोक नहीं सकती, क्योंकि आना जाना और घर जैसे अब त्योहार है फेस्टिवल से आने जाने के लोग बना रहता है तो जब आते जाते लोग हैं तो उनको कोरोना संक्रमण देखिए बढ़ता है। इससे बाहर के जो भी जितने भी आप राज्य देख रहे हैं, जितने भी महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तमाम जैसे गुजरात में कोरोना संक्रमण बढ़े तो वहां से लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं संक्रमण होता है। तो वो यहाँ जांच हो रही है और जांच की धीरे धीरे रफ्तार बढ़ रही है, सरकार दावे भी कर रही है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा दावे भी कर रहे हैं रफ्तार बढ़ रही है और बढ़ने की जहाँ जांच होगी तो पता चलेगा कि कोरोना के संक्रमित कितने हैं। इसी को लेकर अब धीरे धीरे पटना में भी, क्योंकि पटना राजधानी है, बाहर से लोग आने के यहाँ एक पूरा इस तरीके से पटना जंक्शन और चाहे आपके फ्लाइट हो सब यहीं आती, बिहार के इस तरीके से पूरा हब है पटना आपका इस तरीके, यहीं से चारों तरफ जिलों में लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसके प्रभाव अब दिखने शुरू हो गए हैं लेकिन अभी उस रफ्तार से नहीं है जो दूसरे राज्यों में है। जी चलिए, शुक्रिया आपका इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए। तो कोरोना वैक्सीनेशन का जो दौर है वो चल रहा है, लगातार जांच भी चल रही है लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से राजधानी पटना में सर्वाधिक मरीज मिले, हालांकि दूसरे राज्यों की अगर तुलना की जाए तो वो कम है लेकिन फिर भी ये खतरे का संकेत हो सकता है राजधानी पटना के लोगों के लिए और सरकार को वाकई में सतर्कता बरतने की आवश्यकता है ताकि जो उनके लोग हैं वो संक्रमित ना हो जाए और तेजी से इस पर काम करने की भी आवश्यकता है।